नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी छात्रों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो आप सभी छात्रों के लिए काफी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी को कुछ बातें बताने वाला हूं आपके प्रैक्टिकल एग्जाम से रिलेटेड। क्योंकि आप सभी को भली बात से पता है कि फिलहाल जितने भी यूनिवर्सिटी है सभी के एग्जाम चल रहे हैं, कुछ यूनिवर्सिटी के एग्जाम होने वाले हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी है जिनके एग्जाम कंप्लीट हो चुके हैं, यूजी के एग्जाम कंप्लीट हो चुके हैं। उसी के बाद दोस्तों जो मेन बात आती है वो आती है आपके प्रैक्टिकल परीक्षाओं को लेकर, क्योंकि आप में से आप स्टूडेंट मेरे पास एक तरह से कमेंट भी कर रहे थे कि सर जो हमारे प्रैक्टिकल होने वाले हैं वो किस आधार पर होने वाले हैं, क्योंकि आप में से काफी मतलब कि 70-80% बच्चों को पता है कि आपके जो प्रैक्टिकल होने वाले हैं इस बार वो आपके अपनी प्रैक्टिकल फाइल के आधार पर होने वाले हैं। उसी के बाद दोस्तों जो एक तरह से नॉन कॉलेजिएट स्टूडेंट है उन सभी के लिए जो प्रैक्टिकल होने वाले हैं किस प्रकार से होने वाले हैं, साथ ही में आपको जो डेट दी जाएगी प्रैक्टिकल की वो कब तक दी जाएगी, आपके प्रैक्टिकल आपकी परीक्षाओं से पहले होंगे या आपकी मेन परीक्षाओं के बाद में होंगे, पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में मैं आप सभी छात्रों के साथ क्लियर करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर फर्स्ट बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना। सबसे पहले दोस्तों बात करें आपके प्रैक्टिकल को लेकर, तो आप सभी दोस्तों को भली भांति से पता है कि इस बार जो आपके प्रैक्टिकल है वो आपके फाइल या असाइनमेंट के आधार पर हो रहे हैं। साथ ही में दोस्तों देखो, जितने भी आपके प्रैक्टिकल होने वाले हैं, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी हो या महाराजा सूरजमल यूनिवर्सिटी हो, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी हो या यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा हो या राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य यूनिवर्सिटी हो या पंडित दीनदयाल शेखावटी यूनिवर्सिटी हो, जितने भी राजस्थान की यूनिवर्सिटी है सभी के जो एग्जाम प्रैक्टिकल होने वाले हैं वो आपके आपके एग्जाम के बाद में ही होने वाले हैं। साथ ही में दोस्तों आपको किस प्रकार से अपना प्रैक्टिकल कंप्लीट करवाना होगा और साथ में आपके जो टीचर है किस प्रकार से आपका जो प्रैक्टिकल है वो कंप्लीट करवाएंगे, आपको क्या होगा, आपको सबसे पहले जो आपका असाइनमेंट है वो या जो आपकी फाइल है वो आपको कंप्लीट करनी होगी। कंप्लीट करने के बाद में यूनिवर्सिटी के द्वारा एक नोटिस जारी किया जाएगा और उस नोटिस में आपको भली भांति से बताया जाएगा कि आपको इस दिन आकर अपने विश्वविद्यालय में जो अपनी प्रैक्टिकल फाइल है जो असाइनमेंट है उसको आकर जमा करवाना होगा। फिलहाल की बात करें जैसे एग्जाम्पल में, तो राजस्थान यूनिवर्सिटी ने जो डेट है वो जारी कर दी है 6 जून आपकी डेट रहने वाली है। 6 जून से आप 15 जून तक अपना जो प्रैक्टिकल फाइल है वो विश्वविद्यालय में जाकर जमा करवा सकते हो। साथ ही में दोस्तों वहां पर आपको टाइम भी दिया जाएगा, जैसे सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक है, या आपका जो टाइम रहेगा 11 बजे से लेकर 5 बजे तक, इस प्रकार से आपको टाइम दिया जाएगा। उसी टाइम के पीरियड में आप सभी को विश्वविद्यालय में जाना है। वहां पर जाने के बाद में आपको जो अपनी प्रैक्टिकल फाइल है वहां पर जो भी आपके टीचर मिल रहे उन सभी को जाकर वहां पर जमा करवा देना है। जमा करवाने के बाद में क्या होगा दोस्तों, वहां पर आपके जो टीचर है आपको अटेंडेंस यानी कि एक उपस्थिति पंजिका आएगी, उसी के ऊपर आपके साइन लिए जाएंगे 4 या 5 जगह, वो लगभग कंफर्म नहीं है, लगभग 4 या 5 जगह साइन लिए जाएंगे। उसी के बाद में बोल देंगे कि आपका जो प्रैक्टिकल है वो कंप्लीट हो चुका है, उसी के बाद आप विश्वविद्यालय या आपकी जो कॉलेज है वहां से आ सकते हो। इसके बाद दोस्तों बात करें यहां पर जो नॉन कॉलेजिएट स्टूडेंट है उन सभी के लिए कि उसके उनके जो प्रैक्टिकल होने वाले हैं वो किस आधार पर होने वाले हैं, तो दोस्तों आपको सबसे पहले आपके जो प्रैक्टिकल है वो आपके होने वाले हैं, प्रैक्टिकल होंगे, आपका जो बाह्य परीक्षक आएगा वो आपकी प्रैक्टिकल फाइल है किस आधार पर बनवाता है वो आपकी प्रैक्टिकल फाइल बनवाएगा। प्रैक्टिकल फाइल बनवाने के बाद में कंप्लीट आपकी प्रैक्टिकल फाइल हो जाती है, फिर उसके बाद में आपको अपने विश्वविद्यालय में आना है, विश्वविद्यालय में आने के बाद में उस प्रैक्टिकल फाइल को वहां पर जमा करवाना होगा और आप सभी को प्रैक्टिकल में उपस्थित होना बिल्कुल जरूरी है, जितने भी नॉन कॉलेजिएट स्टूडेंट है आप सभी को यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों जिन स्टूडेंट्स के प्रैक्टिकल में जैसे सेमिनार है, वाइवा वॉइस है या प्रोजेक्ट है, उन स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ कि आपके प्रैक्टिकल किस आधार पर होने वाले हैं। जैसे कि आपके कॉन्फ्रेंस रूम में आपका जो एक तरह से सेमिनार हो सकता है उसमें भी आपके प्रैक्टिकल लिए जाएंगे, तो उनका जो प्रैक्टिकल होने वाला है दोस्तों उन स्टूडेंट्स का, उनका ऑनलाइन भी हो सकता है ऑफलाइन भी हो सकता है, तो ज्यादातर चांसेस है कि आपके ऑफलाइन ही होने वाले हैं जिनके भी सेमिनार है या वाइवा वॉइस है, मतलब कि जहां पर वाइवा वगैरह आपका लिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा एक तरह से इंटरव्यू की तरह, तो उनका भी एग्जाम यानी एग्जाम प्रैक्टिकल होने वाला है। बाकी दोस्तों देखिए यहां पर मैंने प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरी थी वो मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। इस बार आपको प्रैक्टिकल फाइल ले जाकर ही विश्वविद्यालय में जमा करवाना होगा और उसी के आधार पर आपको यहां पर पासिंग मार्क्स दिए जाएंगे। बाकी जैसे कुछ स्टूडेंट के ये भी कमेंट आ रहे थे कि सर जो पासिंग मार्क्स चाहेंगे वो कितने चाहिएंगे, देखो मैं यहां पर क्लियर कर देता हूं, अगर आपका जैसे 50 नंबर का है तो 50 नंबर में से आपको 18-20 नंबर चाहिए होंगे, अगर जैसे आपका 100 नंबर का रहता है, जैसे कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर जो लास्ट ईयर में जो हमें पासिंग मार्क्स मिले थे वो हमें 36 नंबर में से मिले थे, यानी कि 100 में से मिले थे और 100 में से हमें 36 नंबर चाहिए होते थे, तो वहां पर जो 100 नंबर के
के आधार पर वहां पर 36 नंबर दिखाया गया है और 50 के आधार पर आपको 18 या 20 नंबर दिखाया जाएगा। दोस्तों यहां पर मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया आपके प्रैक्टिकल परीक्षाओं से रिलेटेड। बाकी आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, आपको रिप्लाई जरूर मिल जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।